परम ब्रह्म से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय ब्रह्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय परदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय आचार्य दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बपे दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ प्रस्तुत सारे आचार्य, सारे ऋतिक ऋतिक दादा और मेरे जितने भी गुरु माँ गुरु भाई प्रस्तुत है दादा, उन सब कुछ उन सबको मेरा जय गुरु। दादा, यह मेरा पहला बार है जब मैं ऐसे आयोजन करने जा रहा हूँ। सबके समय कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो कहते हैं कि ठाकुर जी का जो जीवन रहा है, उनका जो दो टॉपिक आज जो मैं चुना हूँ, जिसपे मैं आज थोड़ा सा कहना चाहूंगा, वो है आदेश पालन और दूसरा है वचन पालन। आदेश पालन, ठाकुर जी का जीवन में मैं अभी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ ठाकुर जी की जीवन से मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है किस तरह से वो आदेश पालन करते थे, किस तरह से वो चीजों को अपने जिंदगी में अपनी माता के आदेश को, अपने पिता के आदेश का पालन करते थे। ये चीजें जो कि अभी के हमारे जो जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा कमी देखा जाता है। तो ये उनके जीवन से हमें सीखने का सबसे बड़ा मौका मिलता है। ठाकुर जी के जीवन से हमें, पूजनीय बड़दा के जीवन से हमें ये चीज देखने का और सीखने का मौका मिलता है, जहां पर हम जानते हैं कि किस तरह प्राणपण से वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ माता के आदेश पालन के लिए किस तरह से वो उन्मुक्त रहते थे, तैयार रहते थे हर पल हर समय, किस तरह से वो कोई भी तकलीफ होने, कभी भी अपने माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। कुछ भी हो जाए, चाहे उनको जितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन अपनी माता का आदेश, अपने पिता का आदेश को कभी वो नीचे नहीं जाने दिया, हमेशा उनका आदेश को सर्वोपरि माने। एक समय की घटना है जो मैं आपके सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। ठाकुर जी से उनकी माता रुष्ट हो गई थी और वह उन्हें मारने के लिए दौड़ा रही थी। तो ठाकुर जी भाग रहे थे, बचने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ठाकुर जी को एहसास होता है कि मेरी माता को तकलीफ होगा, वो मेरे पीछे दौड़ रही है। तो वो ठाकुर जी खुद जाके अपनी माता के सामने सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि माँ मैं आ गया, और वो मार खा लेते हैं। बस कारण एक ही था कि उनकी माता को कोई दुख ना पहुंचे, माता को कष्ट ना हो। तो इस तरह के थे हमारे ठाकुर जी, और उनका जीवन इसी आदर्श पे, जो जो जिस पैटर्न पे, जिस फ्लो पे वो चलते हुए इतने दिनों तक आए हैं, वो आदर्श को हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में लाने के लिए। मैं जब भी हम मेरा खुद का ये घटना है कि मैं क्लास 7वीं में जब मैं दीक्षा लिया था ठाकुर जी का, और आज ग्रेजुएशन में हूँ, तो मेरे अंदर जो प्रवृत्ति आई, जो मेरे अंदर प्रवृत्ति, वो ये प्रवृत्ति ठाकुर जी के जीवन से, उनके बारे में। जब मैं दीक्षा लिया तो मैं दीक्षा जब लिया तो मैंने दीक्षा लेके बस कि हाँ चलो भाई एक फॉर्मेलिटी है, ले लेते हैं, कर लेते हैं, करना स्टार्ट किया। कुछ समय बाद धीरे 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 चीजें ऐसे कि मैं बोला कि आखिर जब मेरी माता के साथ, जो मेरी माता जी के साथ जब उन पे बीतने लगे, ठाकुर जी को वो महसूस करती थी, जब वो खुद उस जीवन अपने महसूस की जिंदगी में, तो ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस का कारण बना मेरे अंदर। मैं खुद जानने लगा कि कौन है, चलो पढ़ते हैं इनके बारे में, चलो जानते हैं इनके बारे में। मैं किताबें पढ़ने लगा, ठाकुर जी के किताबें पढ़ने लगा, उनके बारे में जानने लगा, इंटरनेट में, यूट्यूब में उनके बारे में वीडियोस देखने लगा, सत्संग अटेंड करना चालू कर दिया। तो फिर मेरे अंदर एक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, और वो प्रवृत्ति ऐसी उत्पन्न हुई कि जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह ठाकुर जी रहते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या वो इसी तरह सोचते हैं, क्या वो इसी तरह गुस्सा करते हैं अपनी माता पे, क्या वो इसी तरह अपने पिता पे चिल्ला देते हैं। अगर वो उनसे कोई कुछ कहते हैं कुछ काम करने के लिए, हम लोग मतलब हम जो जनरेशन पे है, हमारे जनरेशन में गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इस स्थिति में हम लोग डेली यही बात बोलते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन तब भी वो हम लोग अपने अंदर लागू नहीं कर पाते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ भी पिता बोल देंगे, माता बोल देंगे, तुरंत गुस्सा कर देते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक परिवर्तन आया, वही परिवर्तन ऐसा था कि मैं सोचने लगा, मैं विचार करने लगा कि मेरे अगर ठाकुर जी होते तो यहाँ वो गुस्सा नहीं करते, वो अपने माता की बात सुनते हैं, वो अपने पिता की बात सुनते हैं। मैं उसको अपने अंदर लागू करने लगा कि नहीं, मैं रुकने लगा, मैं रुक रुक के सोच, जो मेरा गुस्सा था वो ऐसा गुस्सा था कि मैं गेट वेट को मार के तोड़ देता था अपने घर का, इतना गुस्सा था मेरे अंदर, गुस्सा से मार देता था। को फोन नहीं मिलता था, फोन नहीं दिया जाता था मेरे को, जब तो वो मेरे अंदर कंट्रोल आने लगा। मैं समझने लगा, मैं अपने पिता के प्रति अपना कर्तव्य को समझने लगा, मैं अपने माता के प्रति अपना धर्म को समझने लगा कि मेरी माता को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे पिता को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। मैं उस चीज को शांत होने लगा, चीजों को समझना चालू, अपने पिता को कष्ट, जब भी पिता को तकलीफ में रहता था, कुछ प्रॉब्लम होता था, मैं साथ में खड़ा हो जाता था,
मेरे पिता का तबीयत खराब हुआ, मैं तुरंत आके खड़ा हो गया उनके साथ में। मैं समझा कि नहीं, मेरे पिता को मेरा जरूरत है, मेरी माता मुझसे कुछ जब भी कहती है तो मैं अब मैं उस सब चीज को समझता हूँ, अब मैं वो सब चीज को समझने लगा हूँ और चीजों को अपने अंदर महसूस करता हूँ कि नहीं ठाकुर जी, जब ऐसा, जब मेरे परम पिता, मेरे गुरु, मेरे आराध्य जब उस रास्ते पे चले हैं, वो चल के दिखाएं, तो मुझे भी उसको अपने अंदर लाना होगा और मुझे भी उसी रास्ते में चल रहा होगा, तभी मैं उनके प्रति अपने सच्चा जो कर्म है, जो जो वो कह के गए, तब मैं उसे कर पाऊंगा, जब मैं उसे उसे अपने जिंदगी पर लागू करूंगा। और जिस तरह से ठाकुर जी आदेश पालन किए हैं, एक बार उनकी माता, ठाकुर जी के पैर में चोट लगी हुई थी, तो ठाकुर जी के पैर में जब चोट लगी हुई थी, वो अपने माता के समक्ष गए और कहे कि माँ मुझे चोट लगी है पैर में, तो उनकी माता ने कहा नहीं 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 चोट वोट तुम्हें कुछ नहीं लगी, कोई बात नहीं, तुम जाओ स्कूल तब भी जाओ। तो उन्हें, माता ने उन्हें आदेश दे दिया स्कूल जाने के लिए। लेकिन हमारे परम पिता, उन्होंने ये सोचा कि मेरी माता ने आदेश दिया है मतलब मेरे पैर में चोट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, और वो उसी जख्म के साथ, उसी दर्द में पैर स्कूल चले गए। उन्होंने अपनी कक्षा की, अपनी पढ़ाई लिखाई की और वापस आए, और जब वो वापस आए तो उनका घाव इतना बढ़ चुका था और उसके पैर से इतने खून निकल रहे थे, तो उसकी माता को देख के उनके आंख में आंसू आ गए। ऐसे ठाकुर जी अपने माता के प्रति इतना आदर्श रहे हैं, इतना उनका बात माने, चाहे कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा उनकी बात को प्राण पण के साथ, हर एक बात का सेवा का पालन किए हैं। हम बस कोशिश करते हैं कि कम से कम उनके दिखाए हुए जो रास्ते हैं, जिस रास्ते पे वो चले हैं, अपनी माता का जिस तरह से वो आदेश पालन करने का एक जो नियम जो बनाए हैं और वो चल के हमें दिखलाए हैं, मैं हर पल हर समय से यही कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज को लागू कर सकूं अपने आप और उसको मान सकूं। और दूसरा आता है ठाकुर जी का वचन पालन। हम लोग हमेशा एक चीज सोचते हैं, मैं खुद से जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को कुछ वचन देता हूँ कि नहीं आज मैं इसको यहाँ तक पढ़ूंगा, इसको पढ़ के यहाँ से उठ जाऊंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। इस पे भी ठाकुर जी ने अपना एक, उनके जीवन की एक घटना है जहां पर ठाकुर जी खुद से किया हुआ वचन को कैसे पालन करते हैं। ठाकुर जी को रसगुल्ला कितना पसंद है ये तो हम सब जानते हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा चाहते थे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब रसगुल्ला उनका बहुत प्रिय था, तो उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो एक बार ठाकुर जी ऐसे स्कूल से लौट रहे थे, तो वो कभी कभी रसगुल्ला खा लिया करते थे, तो उस दुकान पे वो खा लेते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो दुकानदार, पैसा नहीं था तो पैसा बोलते थे बाद में देंगे, वो बोल के खा लेते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पैसा बढ़ते चला गया। अब उसके बाद एक दिन रसगुल्ला वाला उनको गुस्सा कर दिया, उनपे चिल्ला दिया कि नहीं नहीं खाना है तुमको, नहीं देंगे हम। ठाकुर जी को बहुत खराब लगा, उनको लगा कि ये मेरे पास, इतना उनको खराब लगा कि वो बोले कि हम रसगुल्ला खाएंगे। उन्होंने अपने आप को वचन दिया उस दिन कि हम अब रसगुल्ला खाएंगे ही नहीं। अगले दिन फिर हुआ, वो वहां गए, रसगुल्ला का दुकान भी आया सामने में, बहुत उनकी इच्छा हुई कि नहीं रसगुल्ला खा लेते हैं, क्या हुआ चलो एक तो खा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि खुद को दिया हुआ वचन, अगर हम ठाकुर को माने हैं और अगर हम ठाकुर जी के रास्ते पर चल रहे, तो हमारे मन में, हमारे भीतर ठाकुर बस रहे हैं। अगर हम खुद को कोई वचन दे रहे हैं तो वो हम अपने पूछने सिर्फ ठाकुर जी को वचन दे रहे हैं, अपने दिल में उनको बसा के रखे हैं, हम उनको वचन दे रहे हैं कि हाँ हम ये काम करेंगे। तो ठाकुर जी उस समय अपने वचनबद्ध थे, अपने खुद को वचन दिया हुआ था उन्होंने, और वो नहीं खाते रसगुल्ला। वो डेली वहां से आते हैं, उनको बहुत मन करता, वो अपने आप को दबाते, अपने आप को रोकते और उसी रास्ते पर वो घुड़कना चालू कर दिए थे, और चाहते जाते एक पेड़ से रुक गए, एक पेड़ से अपने आप को कस के पकड़ के रखे कि नहीं हम नहीं खाएंगे, मतलब नहीं खाएंगे। अगर हम वचन दिए हैं तो हम उसको पूरा करेंगे अपने आप को और नहीं खाएंगे। और कुछ दिन बाद उनके हाथ में पैसा भी था और वो सोचे कि खा लेते, लेकिन उन्होंने खुद को वचन दिया हुआ था जिस कारण वो नहीं खाए। ठाकुर जी जब उनके जीवन में हमें ये बतलाए हैं कि किस तरह से एक माता पिता का आदेश हमारे लिए जितना जरूरी है, उसी तरह से हमारे खुद को दिया हुआ वचन भी हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हम कुछ वादा किए हैं खुद से, कुछ कहे हैं कि हम ये करेंगे, तो हमें उसे करना चाहिए, हमें उसे मानना चाहिए और उसे करना चाहिए। हमारी जो आजकल की जनरेशन है, जब भी मैं अपने दोस्तों के बीच बैठता हूँ, उनसे कहता हूँ, ठाकुर जी की बातें उनसे करता हूँ, उनसे बताता हूँ, तो सब कहते हैं अरे यार क्या, मतलब क्या बता रहे हो, क्या बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं होता है। सब कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ ठाकुर जी का, क्या चमत्कार है, दीक्षा लेंगे तो कलम करोड़पति बन जाएंगे क्या, सब हमसे ये पूछते हैं। हम बोलते हैं उस समय जब हम उनको ठाकुर जी के प्रति जब उन्हें बताते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन तब भी हम याजन करना उनसे छोड़ते नहीं, हमेशा हर पल हर समय, जब भी कुछ भी बात होता है, मेरे हर डिबेट के टॉपिक पे, जब भी हम स्कूल में डिबेट देते हैं, कॉलेज में अपने, जब भी हम स्पीच देते हैं, हमेशा ठाकुर जी का वाणी को, उनका कहा हुआ बात को हम सबके सामने रखने का कोशिश करते हैं, सबको बताने का कोशिश करते हैं कि क्या है मेरे ठाकुर, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, किस
किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में हमारे आदर्श करके अपने आदर्श को प्रति हमें दिखाया है, आदर्श जीवन जी के दिखाया है। और ठाकुर जी के प्रति जो उन्होंने अपने माता पिता के प्रति जो किया है, जो आजकल के जनरेशन में सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को सीखने की, वो यही है कि हमें अपने माता पिता को कितना इज्जत करना चाहिए। लोग अपने माता पिता को घर में लड़ लेते हैं और बाहर जाके अनेक मंदिर और धाम में जाके दिया और आरती करते हैं। तो ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे घर में जो भगवान हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ है, हमें उनको कितना मानना जरूरी है। जो ठाकुर जी ने दिखाया, ठाकुर जी अपने माता की खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए, उनको प्यार करने के लिए, उनका बात मानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हमारे परम पिता कभी भी कुछ चमत्कार, मतलब ऐसा अद्भुत चमत्कार एक बार में तुरंत परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं दिखाया। वो उस पथ में चल के हमें चलना सिखाए, वो रास्ता बना के गए हैं हमें, जिसे हमें फॉलो करना, जिस रास्ते पे हमें चलना है, जिस रास्ते पे पूजने बड़दा ने हमें चल के दिखाया, हमारे जितने भी गुरु हैं सब चल रहे, हमें उस रास्ते को मानना है और उस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो ये याजन करने का जो बात था, ये मेरी माता ने मुझे कहा कि मैं आप सबके समक्ष ये बात रखूं, तो बात ये था कि बस मैं कहना चाहता था कि हमारे इस जनरेशन पे जो हमारे लोग हैं, हमें उस चीजों को समझना होगा और ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना भी होगा और उनके बातों को समझना भी पड़ेगा। जय गुरु, जय गुरु अभिषेक जी। बहुत सुंदर आपने अपना जो अनुभव आपने रखा हम सब के सामने, हम चाहते हैं आप बीच बीच में आए और